एक गाना है ना, एक छोटी सी नौकरी की तलबगार हूँ मैं, कुछ और मैं उनसे मांगूँ तो गुनहगार हूँ मैं। मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ, या मैं कोई यहाँ पे भविष्यवाणी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं प्रैक्टिकल की बात हमेशा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तलबगार हो आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोगों की दिली तमन्ना है कि इस नौकरी को निकालने के लिए, लेकिन दिली तमन्ना तभी पूरा होता ना दोस्तों। जब मैंने कल वीडियो बनाया था तो मैंने क्या बोला था, 72 आवर्स है। आज मैं यहाँ से फिर से दोहराता हूँ, 48 आवर्स है। कल फिर आके फिर वीडियो बनाऊँगा, 24 आवर्स है बोलूँगा, और ठीक उससे अगले दिन बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट बोलूँगा, और उसके अगले दिन अगर आप पूछोगे तो बोलूँगा सॉरी। क्योंकि जो चीज़ होता है, जो अगर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ तो एग्ज़ाम के ठीक एक मिनट तक पहले, उसके बाद जो होता है वो तुम्हारा ही होता है, और उसके बाद जो भी करते हो तुम ही करते हो। दैट मीन्स अभी बोलने से फ़ायदा है, बाद में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी से दरखास्त करता हूँ कि आज आप लोग कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाइए। वो अब बोलते हैं ना कि मैथ से पहले प्रैक्टिस सेशन भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करते हो, कल आप हो सकता है कि मैं अलग सा स्ट्रैटेजी बताऊं, लेकिन आज के लिए मैं इतना बताऊंगा, जिनकी एग्ज़ाम 22 में है उनको तो 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए, और जिनका 29 हो या 1 मार्च हो तो वो तो कंटिन्यूसली जो कर रहे हैं वो करेंगे। लेकिन अभी के लिए यार समझ जाओ कि ये एग्ज़ाम ज़िंदगी बदलने वाली एग्ज़ाम है। ये साल में एक ही बार आता है, और जब होता है ना कि अगर दिवाली की सेलिब्रेशन होती है तो हम जो जोश के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि एक ही बार तो होता है ना साल में, ठीक उसी तरह ये भी आपका लाइफ बदलने की वाली एग्ज़ाम है, और इसको भी आपको एक ही बार अच्छे तरीके से देना है, एंड आप सिलेक्शन फेस कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले SBI कैंप में एनरोल करना चाहते हो तो SBI कैंप के लिए भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। 100 बेस्ट मिसलिनियस क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब में कल ही डाला था मैंने, काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो आप भी आइए वहाँ पर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत। याद रखिए कल जब आऊँगा बोलूँगा 24 आवर्स, उसका स्ट्रेटेजी कुछ और ही होगा, यानी वाजा